अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हेलो चिंगम सर, क्या हाल चाल है? शहर की सुरक्षा सब ठीक ठाक ना? जहाँ पर मोटू पतलू हो उस शहर की तरफ अपराधी आंख उठाकर भी कैसे देख सकते हैं। अच्छा, तो शहर में सुख चैन, ये सब मोटू पतलू की देन है। सारे अपराधी उनसे डरते हैं। फुरफुरी नगर का सबसे बड़ा डॉन अपराधी तो वन एंड ओनली जॉन द डॉन है। अब मैं इन लोगों को रात को तो छोड़ो, दिन में लूट कर बताऊंगा। अरे किसने बेल बजाई? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। अरे किसने बेल बजाई? कौन है इस वक्त? कौन है? ओए, किसने मेरी नींद खराब की है? कौन है भाई, कौन है जिसने बेल बजाकर रात को उठाया है? कौन दरवाजा ठोक रहा है? मोटू, लगता है किसी ने शरारत की है। चलो चल के सो जाते हैं। कौन है रे बाबा? छोड़ूंगा नहीं। कौन परेशान कर रहा है? इसे कहते हैं लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद छीन लेना। पूरा फुरफुरी नगर रात भर जागा है, अब दिन भर सोएगा। सबसे पहले मोटू पतलू के घर को लूटने की योजना है। बाय बाय, निकल जाओ। पापा, ओनो, बॉक्सर की तो दिन में ही आंख लग गई, जो सोया वो खोया। पापा, सब लूटा लो, निकल जाओ। तो चांदी चांदी हो गई, ये देखो। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो तो खुद ही चेयर से कंधा टिका कर सो रहा है। सब निकाल डालो, बांधो। अरे चाय वाले भैया, एक गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दो। अरे माँ, कल तक पूरा फुरफुरी नगर सुख चैन से सो रहा था, जाने रात रात क्या हो गया कि अब दिन दहाड़े चोरियां हो रही है। चिंगम सर, मुझे तो लगता है कि इन चोरियों के पीछे हो ना हो जॉन द डॉन का ही हाथ है। बस कुछ सबूत मिल जाए। ये पूरा शहर सो रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा तो 24 घंटे जागता रहता है। हमें रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। वो देखो, बूढ़ी बाबा, ये तो सच में जॉन के गुण है। इसका मतलब जॉन के शैतानी दिमाग का प्लान था कि सबको रात भर परेशान करके रात भर जगाना और फिर दिन भर सबको सुलाकर चोरी करना। पतलू, अब आगे क्या करें? कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, सुनो। नंबर वन, नंबर टू, जल्दी उठो, रात होने वाली है। बॉस बॉस, हम कल रात भर लोगों को जगाते जगाते खुद सो नहीं पाए हैं। आज आप चले जाओ, हम थोड़ी नींद पूरी कर ले हैं।
चलो ठीक है, पर घोड़े बेचकर मत सो जाना। थैंक यू बॉस। वेलकम। अच्छा मौका है। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बिना बात के इन लोगों को परेशान कर रहे हो। कौन बोला? मैं बोला। मैं कल तो चुप रहा पर आज चुप नहीं रहूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? लेटर बॉक्स कैसे बोल सकता है? बोल भी सकता है और जरूरत पड़ने पर मार भी सकता है। अरे डस्टबिन भैया टारगेट आ रहा है। ये तेरे साथ हो क्या रहा है? लेटर बॉक्स मुझे मार रहा है, डस्टबिन मुझे पटक रहा है, ये सपना तो नहीं? अच्छा, मैं अब 20 की नींद उड़ाता हूँ। ये क्या, रात को लेटर बॉक्स, डस्टबिन, लैंप पोस्ट सब के सब जिंदा कैसे हो गए? मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे यार, ये सपना नहीं सच है। पूरी रात सबको जगाते रहते हो, आज तुम्हारी बारी है। बॉस बॉस, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? कुछ मत पूछो कि क्या हुआ, मुझे लेटर बॉक्स ने मारा, फिर मुझे डस्टबिन ने मारा, उसके बाद लैंप पोस्ट ने मुझे करंट भी मारा। नहीं, मैं अभी भी नींद में हूँ। मुझे मारो, कुछ भी करो, पर मेरी नींद से मुझे जगाओ। प्लीज बस करो, मैं जाग गया हूँ। इतनी जोर से मारने को थोड़े ही कहा था। मेरी नींद टूट गई, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? मुझे सोना है। खींचो खटिया कुल, तुम्हारा भी। ये मोर कहाँ से आ गया? इसको भगाओ। रात भर सबको जगाते हो और अब जब खुद की नींद उड़ी तो छट पटाते हो। अब तो पेड़ भी बोल रहा है। सही बोल रहा है। हाँ हाँ
इसे छोड़ना मत। नहीं नहीं नहीं, अरे माँ, हमारे चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोला था यम पॉसिबल। चिंगम सर, तो ये आप हो, समझ गया समझ गया। तुम सब लोग मोर पेड़ कैक्टस नहीं, तुम मोटू पतलू कंपनी हो। आई सरेंडर, अब और नहीं सह सकता। चिंगम सर, मुझे जेल ले चलो।